OnePlus 7 Pro महंगा होने वाला है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फोन काफी सस्ता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका जो प्राइस है वो काफी हाई है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं ना मार्शद गोपाल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये फोन इतना महंगा क्यों। तो इसके डिस्प्ले में काफी ज्यादा खर्चा किया, यानी 3 गुना ज्यादा खर्चा किया, ऐसे लीक से पता चल रहा है। और इसका जो आपको डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 हर्ट्ज का। अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें डिस्प्ले का। और दूसरा तो ये कि इसमें आपको पॉपअप कैमरा मिलेगा। पहले बोल रहे थे कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें आपको पॉपअप कैमरा ही मिलेगा। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है वो एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको पॉपअप कैमरा मिलेगा। अभी जो इमेज आया था मैं उसी को लगा दिया हूँ। और बाकी इसके वेरियंट की बात करें तो ये 3 वेरियंट में लॉन्च होगा, 6 GB, 8 GB और 12 GB वाले वेरिएंट में, जिसका प्राइस है, वेरिएंट का कॉस्ट है 49,000 रुपीज़, और 8 GB वाला वेरिएंट है उसका कॉस्ट है 58,640 रुपीज़, और जो लास्ट है 12 GB वाला वेरिएंट उसका कॉस्ट है 64,120 रुपीज़। यानी इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई होने वाला। डिस्प्ले है उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया। और जो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा OnePlus 7 Pro में, जो OnePlus 7 का फीचर है वो काफ़ी हद तक 6T से मिलता हुआ है। बाकी इसमें OnePlus 7 Pro और दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। बैक में ट्रिपल कैमरा है और 48 MP का कैमरा मिलेगा। तो अभी ये सब चीज़ें पता चली है, तो हाँ ये फ़ोन है वो काफ़ी महंगा होने वो। अगर आपका ये जो डाउट था आखिर ये महंगा वो तो क्लियर हो ही गया। तो अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्शद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।